वेलकम टू फूडी कपीश। आज हम बनाने वाले हैं मसाला कॉर्न। हमने ये दो स्वीट कॉर्न लिए हैं, इसको टूथपिक की साइज से कट करना है। इसके भी टू पार्ट्स करने हैं। अब हम इसको टूथपेस्ट लगाएंगे। इन्हें हमको एक तरह से अलग करना है। अब हम स्वीट कॉर्न को बॉईल कर लेंगे। अमेजिंग। हमने गर्म पानी में डाल दिया। पांच मिनट के लिए पकाएंगे। स्वीट कॉर्न अच्छे से बॉईल हो गए। अमेजिंग। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। चम्मच चावल का आटा, 1.5 चम्मच हमने चावल का आटा लिया है। और थोड़ा सा नमक, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी का उपयोग करिए। मैं यहाँ 2 चम्मच पानी ले रही हूँ। अब इसको फ्रीजर में रखेंगे 10 मिनट बाद हमने निकाल लिया है। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है। अब हम इसको एक एक करके डालेंगे। हाई फ्लेम पर ही आपको तलना है। हमने चावल के आटे का उपयोग क्रिस्पीपन के लिए किया था। हम इसका मसाला तैयार करते हैं। ये रहा लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक, मिक्स करेंगे और इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। हमारा
मसाला कॉर्न ब्रेड है। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए रेनी सीजन में कॉर्न ज़रूर घर पे बनाइए। मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ। बाय बाय।